So it's 5:30 in the morning and it is still dark. Oh, there are some people. No, there. So now it's 5:54 and after doing my exercise, now I'm going to make tea. So abhi time ho raha hai 6:06, to ab main apni padhai shuru karti hu. तो अभी मैं अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू करती हूँ जो 6:10 to 9:10 का होगा, जिसमें मैं पॉलिटी करूँगी. मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने वॉलंटियर किया है, और आज का ये स्लॉट काफ़ी प्रोडक्टिव रहा. और अभी टाइम हो रहा है 9:07, तो अब मैं अराउंड 1 आवर का गैप लेके जिसमें मैं रेडी होके ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके फिर मैं अपने सेकेंड स्लॉट पर. टाइम हो रहा है अभी 10:40. ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठी हूँ, और इस स्लॉट में भी आज मुझे न्यूज़पेपर करना है और मॉडर्न इंडिया का लेक्चर करना है. अभी टाइम हो रहा है 1:08, और मेरा ये सेकंड सेशन भी कंप्लीट हो गया जिसमें मैंने ऑप्शन का एक लेक्चर किया है, सॉरी जीएस के लिए मॉडर्न इंडिया का एक लेक्चर किया है. और एक्चुअली आज बीच में ही लाइव चली गई थी, तो क्लास क्योंकि लाइव था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा है जो मुझे दोबारा करना पड़ेगा. तो अभी मैं लंच करके सो जाऊंगी, फिर मैं जग के कोशिश करती हूँ कि वो वाला जो लेक्चर छूट गया उसको मैं पूरा करूँ. तो अभी टाइम 4:08 हो रहा है और आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा. पहले तो मैंने थोड़ा फ़ोन चला के टाइम वेस्ट किया है, पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बुक को पढ़ लूँ. तो फिर मैं अभी आर्गुमेंटेटिव इंडियन शुरू करने जा रही हूँ.
तो अभी 5:10 हो रहा है और मैंने अभी इस बुक के कुछ ही पेजेस पढ़े हैं, तो जितना पढ़ा है उसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी तो मुझे ट्यूशन कराना है, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाहर से आके फिर मैं अपने फोर्थ स्लॉट के लिए जाती हूँ। अभी 7:06 हो रहे हैं और ट्यूशन कराने के बाद और छत से आने के बाद अभी मैं अपने फोर्थ स्लॉट के लिए बैठी हूँ, जिसमें मुझे ऑप्शन करना है। और इसमें फर्स्ट पहले हाफ एन आवर आंसर राइटिंग का लाइव सेशन है, इसको करने के बाद फिर मैं अपना ऑप्शनल का वर्ल्ड हिस्ट्री करूँगी। तो कहानी यह है कि सबसे पहले मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग में हमें यह ध्यान रखना होता है कि पलासी की लड़ाई की भूमिका है आधुनिक भारत के निर्माण। एक संक्षिप्त परिचय आप देखिए। इन अ वे आज का डे प्रोडक्टिव रहा, क्योंकि अगर मैंने थर्ड स्लॉट नहीं पढ़ा है तो मैंने अमर्त्य सेन की बुक पढ़ी है और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आई गेस आंसर राइटिंग में।